क्लासिफिकेशन आपण एक दुसरी बाहेर लिहित कन्सिडर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द सोल्युशन सोल्युशन म्हणजे बायनरी सोल्युशन उसमें दो कंपोनेंट्स रहेंगे बायनरी सोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स माइनर कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बाइनरी सोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन यानी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसको अपन कहेंगे उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन और ये जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है ये सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अपन अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं बता सकते हैं एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट मोड्स एंड दोज डिफरेंट मोड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन वी हैव टू डिस्कस वन बाय वन और ये जो डिफरेंट वेज है फॉर एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इसमें न्यूमेरिकल इसमें बहुत सारी फॉर्मूली भी है इस पर न्यूमेरिकल भी पॉसिबल है और इस पर न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज JEE या नीट के एग्जामिनेशन में आते हैं आ सकते हैं तो ये जो डिफरेंट वेज अपन लेने वाले हैं फॉर एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन सबकी डेफिनेशन समझना जरूरी है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और इनकी जो फॉर्मूली है वो भी आपको समझनी चाहिए और फिर अपन देखेंगे इन पर के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना शॉर्टकट मेथड से वो भी अपन लेंगे नाउ द फर्स्ट वे फॉर एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज वैसे मास और वेट में फर्क है लेकिन यहाँ पर फर्क करने वाले नहीं है अपन मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज बाय वेट डिनोटेड बाय डब्ल्यू बाय डब्ल्यू अब मास परसेंटेज किसका मास परसेंटेज सॉल्यूशन में के सभी कंपोनेंट्स का हर एक कंपोनेंट का अपना अपना एक पर्टिकुलर मास परसेंटेज रहेगा मान लो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स है बाइनरी सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट्स है कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी और ये जो बाइनरी सॉल्यूशन है इसमें कंपोनेंट ए का मास परसेंटेज मान लो 30 है तो कंपोनेंट बी का कितना रहेगा वो कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं 100 में से 30 को माइनस कर देना तो बचा हुआ परसेंटेज बी का रहेगा टोटल परसेंटेज इन टोटल मास परसेंटेज इन दोनों का 100 रहेगा परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100 जैसे मान लो आपको एग्जामिनेशन में 90% मार्क मिल गए तो 90% का मतलब 100 में से 90 परसेंटेज का मतलब हमेशा के लिए ध्यान में रखना आउट ऑफ 100 तो मास परसेंटेज अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो दोनों बाइनरी सॉल्यूशन अगर है तो दोनों कंपोनेंट्स के मास परसेंटेज की टोटल कभी भी 100 रहेंगे मान लो सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट्स है ए बी और सी ए का मास परसेंटेज मान लो 20 है और बी का मास परसेंटेज मान लो 30 है अब सी का मास परसेंटेज कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं इन दोनों के मास परसेंटेज की टोटल कैलकुलेट करना 50 और इसको 100 में से माइनस करना तो बचा हुआ मास परसेंटेज सी का आएगा यानी सॉल्यूशन में ये सभी कंपोनेंट्स का मास परसेंटेज कैलकुलेट करने की अपने को आवश्यकता नहीं रहेगी अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो कोई भी एक कंपोनेंट का मास परसेंटेज कैलकुलेट करना और फिर 100 में से उसको माइनस कर देना तो अपने को दूसरे का मास परसेंटेज मिलेगा अगर सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट्स है तो तीन में से दो के मास परसेंटेजेस कैलकुलेट करना कैसे कैलकुलेट करना ये इसके बाद में उन दोनों के मास परसेंटेजेस की टोटल करना और उसको 100 में से माइनस कर देना तो अपने को मिलेगा बचे हुए कंपोनेंट का मास परसेंटेज अब मास परसेंटेज की डेफिनेशन और मास परसेंटेज के लिए फॉर्मूला एक बार फॉर्मूला नहीं भी ध्यान में रखे तो भी चलेगा लेकिन मास परसेंटेज की डेफिनेशन ध्यान में रखना जरूरी है न्यूमेरिकल से एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए मास परसेंटेज यानी क्या ये ध्यान में रखना समझना जरूरी है।
percent mass percentage of any one component of the solution लेने क्या? अब percentage का मतलब होता है 100 out of 100. अब mass percentage of component लेने, पहले तो solution लेना और solution का mass लेना 100. Solution का mass 100 लेना. अब 100 क्या? 100 ग्राम, 100 किलोग्राम, 100 मिलीग्राम, उस पर कोई बाइंडिंग नहीं. सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम लिया तो भी चलेगा, 100 किलोग्राम लिया तो भी चलेगा, 100 मिलीग्राम लिया तो भी चलेगा, यहाँ पर कोई भी यूनिट यूज किया तो भी चलेगा. या सॉल्यूशन का जो मास है वो मास अपने को 100 लेने का है, 100 ग्राम, 100 किलोग्राम. और ये जो सॉल्यूशन है, मान लो अपने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया और मान लो इसमें दो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी. तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए का जितना भी मास रहेगा वो ए का मास है ना, उस ए का मास परसेंटेज. 100 ग्राम सॉल्यूशन में मान लो ए का मास 30 ग्राम है, ये भी फिर ग्राम, ये ग्राम में लिया तो ये भी ग्राम में, ये किलोग्राम में लिया तो ये भी किलोग्राम है. 100 ग्राम सॉल्यूशन में अगर 30 ग्राम ए प्रेजेंट है तो 30 ये होगा ए का मास परसेंटेज. और 100 ग्राम सॉल्यूशन में ए का मास 30 ग्राम है तो बचा हुआ मास बी का रहेगा, बी का मास रहेगा 70 ग्राम. इसमें का 70 यानी बी का मास परसेंटेज, इसमें का 30 यानी ए का मास परसेंटेज. तो सॉल्यूशन 100 लेना, 100 पार्ट्स बाय मास बोलेंगे अपन. सॉल्यूशन 100 पार्ट्स बाय मास. 100 पार्ट्स बाय मास का मतलब 100 ग्राम भी हो सकता है, 100 किलोग्राम भी हो सकता है, 100 मिलीग्राम भी हो सकता है, यूनिट पर किसी प्रकार का बाइंडिंग नहीं. और 100 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का जितना भी पार्ट्स बाय मास रहेगा उसको अपन कहेंगे उस कंपोनेंट का मास परसेंटेज. सो मास परसेंटेज ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज मास ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पर सॉल्यूशन का मास अपने को 100 लेने का है कोई भी यूनिट में, और 100 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट का जितना भी मास प्रेजेंट होगा वो मास यानी उस कंपोनेंट का मास परसेंटेज. सो मास परसेंटेज ऑफ, मास परसेंटेज ऑफ एनी वन कंपोनेंट, मास परसेंटेज ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज defined as the mass of that component. ये mass कोई भी unit में चलेगा, mass of that component present in 100. अब मैं यहां पर gram, kilogram, milligram नहीं लिखूंगा, 100 parts by mass of solution. This is the definition of mass percentage of any one component of the solution. कोई भी एक component का mass percentage यानी उस component का mass present in 100 part by mass of solution, यानी solution 100 लेना, 100 gram, 100 kilogram, 100 milligram, और उसमें उस component का जितना भी mass present रहेगा, ये ग्राम में लिया तो वो भी ग्राम में लेना, ये किलोग्राम में ला तो वो भी किलोग्राम में लेना, ये मिलीग्राम में लिया तो वो भी मिलीग्राम में लेना. तो 100 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन में गिवन कंपोनेंट का जितना भी मास प्रेजेंट रहेगा, मास ऑफ ये डिफाइंड एज मास ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. तो यहां पर अपने को सॉल्यूशन 100 लेने का है और उस सॉल्यूशन में गिवन कंपोनेंट का जितना भी मास रहेगा वो मास है ना उस कंपोनेंट का मास परसेंटेज. लेकिन मास परसेंटेज लिखते वक्त ग्राम किलोग्राम वगैरह लगाने का नहीं, यूनिट निकाल देना.
मास परसेंटेज को किसी प्रकार का यूनिट नहीं है। मान लो अपन ने 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया, उसमें ए 30 ग्राम है, बी 70 ग्राम है, तो ए का मास परसेंटेज 30 ग्राम नहीं लिखना, सिर्फ 30 लिखना, या उसको परसेंटेज की साइन लगा देना। और बी का मास परसेंटेज 70 ग्राम नहीं लिखना, सिंपली 70 लिखना और उसको परसेंटेज की साइन लगा देना। अब मान लो सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। ए का मास परसेंटेज, बी का मास परसेंटेज और सी का मास परसेंटेज अपने को कैलकुलेट करने का है। तो यहाँ पर फिर से सॉल्यूशन का मास अपन लेंगे 100, मान लो ग्राम लिया अपन ने 100 ग्राम सॉल्यूशन, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में मान लो ए 20 ग्राम है, बी 30 ग्राम है, तो नेचुरली सी 50 ग्राम लेगा। तो इसमें का 20 यानी ए का मास परसेंटेज, 30 यानी बी का मास परसेंटेज, 50 यानी सी का मास परसेंटेज। यहाँ पर अपन ऐसा लिखेंगे, मास परसेंटेज आप ए इक्वल टू 20 लिखना, ग्राम नहीं लिखना, 20 उसके आगे परसेंटेज के साइन। मास परसेंटेज ऑफ बी इक्वल टू 30, मास परसेंटेज ऑफ सी इक्वल टू 50, इन तीनों के मास परसेंटेजेस की टोटल 100। ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखने की है। डेफिनेशन पर से भी अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, डेफिनेशन कैसे अप्लाई करना है ये अपने को समझ में आना चाहिए। सो मास परसेंटेज ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ये होगी डेफिनेशन। अब इसके लिए अपने को फॉर्मूला तैयार करने का है। अब फॉर्मूला कैसे तैयार करना, वैसे अपन ने डेफिनेशन में ऐसा दिया कि सॉल्यूशन अपने को 100 लेना पड़ेगा, 100 ग्राम किलोग्राम वगैरह, और उसमें कंपोनेंट का जितना मास रहेगा वो मास है उस कंपोनेंट का मास परसेंटेज। लेकिन हर बार सॉल्यूशन 100 लेना ही चाहिए ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। सॉल्यूशन अपन कितना भी ले सकते हैं। मान लो अपन ने सॉल्यूशन लिया है एक्स ग्राम, द मास ऑफ सॉल्यूशन टेकन इज सपोज एक्स ग्राम, और एक्स ग्राम सॉल्यूशन में मान लो वो जो कंपोनेंट है जिसका मास परसेंटेज अपने को कैलकुलेट करने का है, एक्स ग्राम सॉल्यूशन में मान लो वाई ग्राम कंपोनेंट प्रेजेंट है। सपोज एक्स ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेंस वाई ग्राम ऑफ दैट कंपोनेंट, तो इस पर से अपने को मास परसेंटेज कैलकुलेट करने का, इस पर यहाँ पर अपने को मैथमेटिक्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक्स ग्राम सॉल्यूशन में वाई ग्राम कंपोनेंट प्रेजेंट है तो ये सॉल्यूशन अगर अपन ने 100 ग्राम लिया, ये सॉल्यूशन अगर अपन ने 100 ग्राम लिया तो उसमें इस कंपोनेंट का मास कितना रहेगा, 100 इंटू वाई अपॉन एक्स, 100 इंटू वाई अपॉन एक्स, या वाई अपॉन एक्स इंटू 100, वाई अपॉन एक्स इंटू 100। अगर अपन ने सॉल्यूशन 100 ग्राम लिया होता तो उसमें उस कंपोनेंट का मास आता था वाई अपॉन एक्स इंटू 100 ग्राम, और इसमें का ग्राम निकाल देना, ये हो गया उस कंपोनेंट का मास परसेंटेज। तो ये जो कंपोनेंट है इसका मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला होगा y बाय एक्स इंटू 100। अब इसको अपने को जनरलाइज करने का है, यहाँ पर y यानी उस कंपोनेंट का मास, x यानी पूरे सॉल्यूशन का मास। कंपोनेंट के मास को सॉल्यूशन कितना भी दिया तो भी चलेगा, उस सॉल्यूशन में के कंपोनेंट के मास को पूरे सॉल्यूशन के मास से डिवाइड करना और फिर 100 से मल्टीप्लाई करना, तो अपने को मिलेगा उस कंपोनेंट का मास परसेंटेज। और ये है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैंने आपको बताया सिंपल एग्जांपल लेके, समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी समझा होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको सिंपली ध्यान में रखने का है। तो फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मास परसेंटेज ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज मास परसेंटेज ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन
is equal to perfect ka dhyan rakhna is equal to mass of component उस कंपोनेंट का मास सॉल्यूशन में था डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन और परसेंटेज होने की वजह से इसको 100 से मल्टीप्लाई करना, इसको किसी प्रकार का यूनिट नहीं देगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मास परसेंटेज ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। पहले अपन ने डेफिनेशन ली थी, अब यह उसका फॉर्मूला है। मास परसेंटेज ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय फॉर्मूला मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मास ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, मास ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब सॉल्यूशन का मास है ना, उसमें जितने कंपोनेंट्स है उन सब कंपोनेंट्स के मासेस की टोटल। सॉल्यूशन का मास यानी उसमें के जितने भी कंपोनेंट्स है उन सभी कंपोनेंट्स के मासेस की टोटल। अगर वो बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें दो कंपोनेंट रहेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास यानी सॉल्यूशन का मास। सॉल्यूट का मास अगर 10 ग्राम है, सॉल्वेंट का मास मान लो 30 ग्राम है, तो सॉल्यूशन का मास दोनों के टोटल के इतना ही आएगा, उससे कम भी नहीं आएगा, उससे भी ज्यादा भी नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन का मास यानी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स है 2, 3, 4 वगैरह उन सभी कंपोनेंट्स के मासेस की टोटल। अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो मास ऑफ सॉल्यूशन यानी मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ट्राइनरी सॉल्यूशन है तो फिर तीनों कंपोनेंट्स के मासेस की टोटल, क्योंकि मास ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो यहां पर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये भी एक फॉर्मूला है। अब मान लो वो जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का मास W1 है। वैसे मास के लिए सिंबल स्मॉल m जनरली यूज करते हैं, लेकिन स्मॉल m अपने को दूसरे टर्म के लिए यूज करने का है, इसलिए स्मॉल m के बजाय अपन वेट का सिंबल यूज करेंगे। मान लो वो जो कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का मास यानी वेट W1 है, और मान लो उसमें दो कंपोनेंट्स है, एक कंपोनेंट का मास W1 और दूसरे कंपोनेंट का मास W2। पूरे सॉल्यूशन का मास W1 प्लस W2 है। ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला होगा N2 100। अगर सॉल्यूशन ट्राइनरी है तो फॉर्मूला ऐसा आएगा W1 अपॉन W1 प्लस W2 प्लस W3 N2 100। अगर क्वार्टरनरी सॉल्यूशन है तो उस कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स N2 100। ये समझने के लिए ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने के, मास परसेंटेज ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन N2 100, और दैट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स N2 100। अब ये जो मासेस है ये मासेस कोई भी यूनिट में लिए तो भी चलेगा, ग्राम किलोग्राम मिलीग्राम वगैरह। सिर्फ कंडीशन एक ही है कि कंपोनेंट का मास अपन जिस यूनिट में लेंगे उसी यूनिट में सॉल्यूशन का भी मास अपने को लेना पड़ेगा। अगर अपन ने कंपोनेंट का मास ग्राम में लिया तो सॉल्यूशन का मास भी ग्राम में लेना पड़ेगा, ये यूनिट कैंसिल हो जाएगा। सॉल्यूशन का कंपोनेंट का मास मान लो अपन ने किलोग्राम में लिया तो सॉल्यूशन का मास भी किलोग्राम में ही लेना पड़ेगा, किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल। मिलीग्राम में लिया तो भी चलेगा, कोई भी यूनिट में लिया तो भी चलेगा, दोनों के मासेस कोई भी यूनिट में। सिर्फ कंडीशन एक ही है कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तो वो यूनिट कैंसिल हो जाएगा। और इन दोनों मासेस का ये रेशियो है मल्टीप्लाइड बाय 100, इन दोनों के यूनिट्स कैंसिल होंगे, इसलिए ये जो मास परसेंटेज है
इसको किसी प्रकार का यूनिट नहीं देंगे, ये पॉइंट ध्यान में रखना, मास परसेंटेज ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिट लेस क्वांटिटी, इसको किसी प्रकार का यूनिट नहीं है, यह पहला पॉइंट। अगर मान लो अपन ने सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी अगर अपन ने चेंज किया, कम ज्यादा किया, तो भी उसमें क्या कंपोनेंट का मास चेंज होने वाला नहीं, सॉल्यूशन का मास भी चेंज होने वाला नहीं, मतलब क्योंकि मास ये टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी नहीं है, मास इज इनडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर अपन ने सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज किया तो भी कंपोनेंट का मास चेंज नहीं होगा, सॉल्यूशन का मास चेंज नहीं होगा, उस कंपोनेंट का मास परसेंटेज भी चेंज नहीं होगा, यानी मास परसेंटेज ये जो क्वांटिटी है ये टेम्परेचर इनडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो कौन सी क्वांटिटी यूनिटलेस है, कौन सी क्वांटिटी टेम्परेचर इनडिपेंडेंट है, कौन सी क्वांटिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट वगैरह है, इस टाइप के भी ऐसा दवा एमसीक्यू आ सकता है। इसलिए ये दो पॉइंट ध्यान में रखना कि मास परसेंटेज ऑफ एनी वन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन ये यूनिटलेस क्वांटिटी है और टेम्परेचर इनडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसकी इसकी वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं रहेगी। तो मास परसेंटेज की डेफिनेशन वो भी ध्यान में रखना जरूरी है और मास परसेंटेज का फॉर्मूला ये भी ध्यान में रखना जरूरी है। और मास परसेंटेज इज डिनोटेड एज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। अब मान लो अपने को ऐसा दिया है, गिवन एक्वियस सॉल्यूशन, गिवन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर इज 10% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, इसका मतलब समझना चाहिए। गिवन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर, एक्वियस सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन वाटर, तो यहाँ पर वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है कैन शुगर, और ये जो कैन शुगर का वाटर में का सॉल्यूशन है इट इज 10% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, यानी इसमें के कैन शुगर का मास पर डब्ल्यू बाय डब्ल्यू यानी मास परसेंटेज, तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें के कैन शुगर का मास परसेंटेज 10 है, ऐसा इसका मतलब। गिवन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर इज 10% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू फॉर कैन शुगर, यानी ये जो सॉल्यूशन है इसमें के कैन शुगर का मास परसेंटेज 10 है। अब सॉल्यूशन का मास परसेंटेज, सॉल्यूशन में के कैन शुगर का मास परसेंटेज 10 है, इसका मतलब अपन ऐसा ले सकते हैं कि अगर अपन ने ये सॉल्यूशन 100 ग्राम लिया तो 100 ग्राम ऑफ दिस सॉल्यूशन विल कंटेन 10 ग्राम ऑफ कैन शुगर और बचा हुआ 100 - 10 यानी 90 ग्राम ऑफ वाटर। गिवन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर इज 10% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, इट मीन्स 100 ग्राम ऑफ दिस सॉल्यूशन विल कंटेन 10 ग्राम ऑफ कैन शुगर एंड 90 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पर ग्राम ही लेना चाहिए, ऐसा भी कुछ कंपलसरी नहीं, लेकिन ग्राम है कन्वीनियंट यूनिट है, 100 किलोग्राम बोला तो एक क्विंटल हो जाता, बहुत ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए अपन यहाँ पर ग्राम यूज किया, किलोग्राम लिया तो भी चलेगा, मिलीग्राम लिया तो भी चलेगा। अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि 100 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेंस 10 किलोग्राम ऑफ कैन शुगर एंड 90 किलोग्राम ऑफ वाटर, दैट इज द मीनिंग, ये मीनिंग हो गए। सोडियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन मान लो 20% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू है, इसका मतलब 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, वाटर नहीं, सॉल्यूशन का मास 100 चाहिए, तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन 20% डब्ल्यू बाय डब्ल्यू है, इसका मतलब 20 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लो अपने को बाइनरी सॉल्यूशन दिया है, उसमें के कंपोनेंट्स के मासेस दिए हुए है और अपने को मास परसेंटेज कैलकुलेट करने का है, तो ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला अपन यूज कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल समझने के लिए, सपोज द सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर इन वाटर, सॉल्यूशन ऑफ कैन शुगर इन वाटर इज ऑब्टेंड
by dissolving 34.2 gram of cane sugar. 34.2 gram of cane sugar is supposed dissolved in 100 gram of water. Solution ने यहाँ पर cane sugar का mass 34.2 gram लिया है, water का mass 100 gram लिया है, solution बन जाएगा. और इस solution में cane sugar का mass percentage अपने को calculate करने का है. तो वहाँ पर formula अपन लेंगे, cane sugar का mass percentage यानी component, इस component का mass percentage यानी mass of this component, cane sugar का mass 34.2 है, divided by sum of masses of all the components. यहाँ पर दो components है, cane sugar and water. Cane sugar का mass 34.2 plus water का mass 100 into 100. तो 34.2 divided by 34.2 plus 100 into 100. ये 100 ये 100 cancel नहीं होता, ये methodist नहीं, गलत हो जाएंगे. 34.2 अपॉन इन दोनों की टोटल 134.2, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना, ये कैलकुलेट करना और उसको सिंपली परसेंटेज के साइन दे देना. वहाँ पर ग्राम किलोग्राम वगैरह नहीं लिखना, यहाँ पर मास ग्राम में दिया है, इसका भी मास ग्राम में दिया है, लेकिन मास परसेंटेज को किसी प्रकार का यूनिट नहीं है. ये बात पक्की आपको ध्यान में रखने की है कि मास परसेंटेज ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसको किसी प्रकार का यूनिट नहीं है. और दूसरा पॉइंट है ना, ये जो क्वांटिटी है मास परसेंटेज, ये टेम्परेचर इनडिपेंडेंट. सो दिस इज द फर्स्ट वे फॉर एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. मास परसेंटेज, परसेंटेज बाय मास, वेट परसेंटेज, परसेंटेज बाय डब्ल्यू, डिनोटेड बाय, डिनोटेड एज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू. और मास परसेंटेज पूरे सॉल्यूशन का नहीं रहेगा, मास परसेंटेज उसमें के कंपोनेंट्स का रहेगा. हर एक कंपोनेंट का अपना अपना एक मास परसेंटेज रहेगा. और दो कंपोनेंट्स है तो दोनों कंपोनेंट्स के मास परसेंटेज की टोटल 100 आएंगे. तीन कंपोनेंट्स अगर है तो तीन कंपोनेंट्स के मास परसेंटेज की टोटल भी 100 आएंगे. मास परसेंटेज कोई भी कंपोनेंट का कैलकुलेट करने के लिए दो फॉर्मूले अपने लिए है. पहला फॉर्मूला, मास ऑफ दैट कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. और दूसरा फॉर्मूला, मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन यानी सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. और इसको किसी प्रकार का यूनिट नहीं देना. इसके बाद में अपन अगले सेशन में लेंगे वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंटेज बाय वॉल्यूम. बाद में अपन लेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी. दीज आर द डिफरेंट वेज फॉर एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. और ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है. इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पॉसिबल है, बहुत सारे एमसीक्यूज पॉसिबल है, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी. तो ये इसके आगे का पार्ट अगले इसमें नहीं.